नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एआईओ मिस्ट्री में। हाल ही में आपने ये सुना होगा कि 3,350 टन सोना उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में मिला है, पर ऐसा नहीं है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में 3,350 टन सोना नहीं, सिर्फ 160 किलो सोना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में करीब 3,350 टन सोने का कोई स्वर्ण भंडार नहीं मिला है, जैसा कि एक जिला खनन अधिकारी ने दावा किया था। जीएसआई के महानिदेशक श्री एम श्रीधर ने शनिवार शाम कोलकाता में कहा कि जीएसआई के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई अखाड़ा नहीं दिया है और न ही कोई अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सोनभद्रा के जिला खनन अधिकारी के राय ने शुक्रवार को कहा था कि जिले के सोन पहाड़ी और हरदी इलाकों में लगभग 3,350 टन सोने की मौजूदगी का पता लगा है। के राय जी ने कहा था कि सोन पहाड़ी के अंदर लगभग 43 टन और हरदी ब्लॉक में करीब 646 किलोग्राम सोना होने का अनुमान है। इसके बाद मीडिया में जोरों शोरों से इसकी चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिले में 3,350 टन सोने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन शुरुआत में जीएसआई के हेड श्रीधर जी ने इस दावे को खारिज कर दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश खनिज विभाग ने कहा था कि राज्य में हजारों टन सोना होने की संभावना है और इस मद्देनजर सरकार ने ये नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। जीएसआई ने साल 1998 से 1999 और साल 1999 से 2000 में सोनभद्रा में खनन किया था, लेकिन इससे संबंधित रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग को सौंप दी गई थी। जीएसआई ने कहा है कि उनके मुताबिक सोनभद्रा में जो संसाधन है उसे 160 किलोग्राम के आसपास लगभग सोना निकाला जा सकता है, न कि 3,350 टन जैसे कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि खनन विभाग को इन सोनों के साथ उन्हें यूरेनियम की भी खोज हुई है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी मालूम है तो हमें वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एआईओ मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।